तो फ्रेंड्स, हमारी कचौड़ी बनकर हो चुकी है रेडी। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर। तो कैसे आप सब, सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की कचौड़ी। तो आप देख सकते हैं, यहाँ हमने मूंग दाल लिया जिसे हमने भिगोने रख दिया है। डो, यहाँ हमने मैदा ले लिया है, नया 2 कटोरी मैदा ले लिया है। इसका हम तैयार करेंगे डो। हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1 छोटा चम्मच। करेंगे ऑयल जिसे हमने गुनगुना कर लिया है, यहाँ हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका हम अच्छी तरीके से मोइन करेंगे ताकि हमारा डो अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुका है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छा तरीके से डो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो डो तैयार हो चुका है। इसे हम 15 से 30 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, दाल को भीगे हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसे जार में पीसेंगे। इसका हम दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। जार ले लिया है, इसमें हम भीगे हुए दाल डालेंगे। हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो हमने इसमें हरी मिर्च डाल दिया है। अब हम इसका दरदरा पेस्ट तैयार, पैन ले लिया है, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे तेल। यहाँ हमने सरसों के तेल का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, ऐड करें हींग, हमने इसमें हींग डाल दिया। इसमें ऐड करेंगे जीरा, इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे। इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, गरम मसाला, करेंगे नमक, क्योंकि हमने डो में भी नमक डाला था इसलिए हम स्वाद अनुसार थोड़ा ही नमक डालेंगे। ऐड करेंगे अदरक। मसाले को अब चलाते रहेंगे और इसे हल्का पकाएंगे। इस मसाला हल्का सा पक चुका है, इसमें ऐड करेंगे दाल जिसे हमने पीस लिया था। तो फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर, हमने 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर का यूज़ किया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें हम टेस्ट के लिए थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा मिठास हो जाए। अगर आपको मीठा थोड़ा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो मसाला रेडी हो चुका है। तो हम गैस बंद कर देंगे। हमने लोहा ले लिया है, इसका हमने पेड़ा बना दिया है। इसे हम अच्छी तरीके से बेलेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे हमने पूरी की तरह बेल लिया है। इसमें हम डालेंगे स्टफिंग, स्टफिंग डाल दिया है और इसे करेंगे फोल्ड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इसकी पोटली बना ली है। इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। हमारी कचौड़ी बनकर हो चुकी है रेडी। तो बाकी है जितनी भी हैं कचौड़ियाँ, उन्हें हम इसी तरीके, हमने ले ली कढ़ाई, इसमें हमने तेल डाल दिया है तो वो गर्म भी हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे कचौड़ी और इसे हम धीमी आँच में पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हल्के हाथों से पलटेंगे। आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ी कितनी अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म कचौड़ी बनकर हो चुकी है रेडी। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप देख सकते हैं कचौड़ी कितनी अच्छी बनी है और साथ में हमने लिया आलू की सब्ज़ी। तो आप देख सकते हो